भारतीय संस्कृति में सबसे प्रथम स्थान धर्म का है। हमारे संस्कृति में नदियों, वृक्षों, पर्वतों एवं गो आदि जीवों को भी पूजा जाता है। ऐसी ही महान परंपराओं में से एक है श्राद्ध तर्पण परंपरा। इस परंपरा में अपने उन परिजनों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है जो दिवंगत हो चुके हैं। विद्रोह की मुक्ति, तृप्ति, शांति एवं संतुष्टि के लिए ऋषियों द्वारा प्रदत्त विधि से श्राद्ध तर्पण का क्रम संपन्न किया जाता है। हमारे वे पूर्वज जिन्होंने अपना सारा जीवन अपनी आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित किया कर दिया है, उन्हें याद कर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ, दान, देव पूजन, कन्या एवं पुरोहितों को भोजन कराया जाता है। श्राद्ध अर्थात श्राद्ध व्यक्त करना। भारत की इस महान परंपरा को जो कुछ लोगों तक ही सीमित थी, गायत्री परिवार ने इसे जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए हैं। अब देश भर में लाखों स्थानों पर गायत्री परिवार सामूहिक श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम करवाता है। इस वर्ष भी 6 अक्टूबर सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या को गायत्री परिवार तहसील संगठन कसरावत द्वारा नर्मदा तट स्थित ग्राम बलकाप में सामूहिक श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान का आयोजन रखा गया। बलगांव में 115 लोगों ने अपने पुरखों का तर्पण एवं पिंडदान कर उनकी शांति एवं तृप्ति की कामना की। इसके अतिरिक्त ग्राम भटियाण में 48 लोगों ने व कसरावत गायत्री शक्तिपीठ पर भी 38 श्रद्धालुओं ने तर्पण कार्यक्रम में भागीदारी की। कसरावत तहसील से अब्रार पठान की ये रिपोर्ट।